एयरलाइंस ने ट्रैवल एजेंट्स कमीशन क्या बंद किया, लाखों लोगों के लिए रोजगार का संकट पैदा हो गया है। कमीशन बंद होने से देश भर में ट्रैवल एजेंट्स पहले ही कर्मचारियों की छटनी कर रहे थे। ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि जल्द कमीशन बहाल नहीं की गई तो ट्रैवल एजेंसी के साथ काम कर रहे लाखों कर्मचारी नौकरी से निकाले जाएंगे। एयरलाइंस कमीशन बंद होने से देश भर के ट्रैवल एजेंसी में काम कर रहे लाखों कर्मचारियों के लिए रोजगार का संकट पैदा हो रहा है। पहली नवंबर से एयरलाइंस से मिलने वाला कमीशन बंद हो चुका है। इसके चलते कमाई में कमी का हवाला देकर बड़ी ट्रैवल कंपनियां कर्मचारियों को निकाल रही हैं। भारत में आयटा मान्यता प्राप्त लगभग 2500 ट्रैवल एजेंट्स हैं। बगैर आयटा मान्यता वाले ट्रैवल एजेंट्स की तादाद लगभग 25,000 है। इनमें से कम 150 ट्रैवल एजेंट्स तो ऐसे हैं जिनके यहाँ लगभग 1000 कर्मचारी काम करते हैं। कमीशन खत्म होने की सूरत में ऐसे एजेंट्स ने लगभग 100 से 200 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। अगर आज के टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, सिविल एविएशन मंत्रालय और ये एयरलाइंस इसको मिलके इसकी सलूशन नहीं ढूंढेंगे तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि कम से कम 1 लाख से लेकर 2 लाख एम्प्लॉइज अफेक्ट हो जाएंगे, जॉबलेस हो जाएंगे। ट्रैवल एजेंट्स कारोबार से होने वाले बेरोजगारों की फहरिस्त इतनी ही नहीं है। छोटे ट्रैवल एजेंट्स के यहाँ भी कम से कम 4-5 कर्मचारी तो होते ही हैं और छोटे एजेंट्स का तो बिजनेस ही बंद होने की कगार पर है। ट्रैवल टूरिज्म कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि बड़े एजेंट्स के कुल कारोबार का लगभग 40% हिस्सा सिर्फ एयरलाइंस के टिकट बुकिंग से मिलने वाला कमीशन ही है। 10,000 अगर ट्रैवल एजेंट है, 10,000 में से 200-300 तो सर्वाइव करेंगे। बाकी जिनमें इनके रिसोर्सेज नहीं हैं या जो डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते वो बैंक्रप्ट हो जाएंगे। तो इसमें तो देश का नुकसान है ना, करोड़ों रुपए टैक्सेस का नुकसान है, करोड़ों रुपए जॉब्स में जो लोग कर रहे हैं, जो पूरी इकोनॉमी में फर्क पड़ रहा है। घरेलू और विदेशी एयरलाइंस को मिलाकर भारत में कम 50 एयरलाइंस हैं। एयरलाइंस के कुल टिकट की बिक्री का 85% हिस्सा ट्रैवल एजेंट से ही आता है। इनमें से 15 एयरलाइंस ने ट्रैवल एजेंट्स कमीशन खत्म कर दिया है। मुश्किलें दोनों के लिए हैं। ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि उनकी कुल कमाई का 35-40% हिस्सा एयर टिकटिंग से होता है और जब से एयरलाइंस ने कमीशन खत्म कर दिया तो ये उनकी कमाई पूरी तरह से रुक गई है। ऐसे में उनके सामने स्टाफ को निकालने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। ट्रैवल एजेंट्स का ये भी कहना है कि अगर उन्हें जल्दी से जल्दी कमीशन बहाल नहीं किया गया तो वो और भी ज्यादा एम्प्लॉयज निकाल सकते हैं। सिद्धार्थ शेखर, जी बिजनेस, दिल्ली।